राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त राज शर्मा, मार्वल से बनी हुई एक नई प्रतिमा के साथ, भगवान वाल्मीकि जी की प्रतिमा लेकर आया मैं आपके लिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये 3.25 फीट यानी 39 इंच में बने हुए, मार्वल से बने हुए महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण गाथा लिखी थी, और ये कमल पर विराजमान है। सबसे पहले फेस के दर्शन कीजिए, कितना ही सुंदर फेस है। और जो इनके बाल आते हैं वो बिल्कुल वाइट आते हैं, सफ़ेद आते हैं, जो आपको दिखाई भी दे रहे हैं। और ऊपर एक रुद्राक्ष की माला आती है, पीछे चक्र आता है, और ये अपने कलम से लिखते हुए रामायण लिख रहे हैं। देखें, ये इनकी कलम है, क्योंकि मोर पंखी से पहले लिखा जाता था। और ये पत्ते पर रामायण लिख रहे हैं, जो हरा पत्ता होता है उस पर। और ये कमल पर आसीन है, पीतम्बर पहने हुए, और साइड में ऑरेंज कलर का पटका डाले हुए। ये 3.25 फीट में मार्बल से बनी हुई एक सुंदर बेहतरीन प्रतिमा हम आपके लेकर आए हैं, महर्षि वाल्मीकि जी की, जो कि हमने महाराष्ट्र के लिए डिलीवर किए हैं। और कस्टमर भी बहुत खुश हुए हैं इनको देखकर। जब उनके पास ये मूर्ति पहुंची तो वो भी बहुत ही खुश हुए हैं। और इनका बॉडी कलर किया गया है ताकि बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखें जैसे एक व्यक्ति होता है, एक महर्षि वाल्मीकि थे। तो उसी के हिसाब से कस्टमर बहुत खुश हुए हैं, और उन्होंने ये मूर्ति देखने के बाद और हमें ऑर्डर भी दिए हैं। तो निश्चित है आपको भी जहाँ तक है बहुत अच्छा मूर्ति लग रहा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आप अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो और ये चरण कमल जो होते हैं, इनको पहले ही बनाए गए हैं। नीचे जो कमल हैं उन पर ये पहले एक मार्बल में बना दिए गए हैं, और उन पर बैठा कर इनको आसीन कर कर तब इनकी मूर्ति बनाई गई है। क्योंकि अलग अलग चरण कमल बनाने से उनको बड़ा मूर्ति होने में बैठाने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए इनके नीचे चरण कमल बना दिए गए हैं। ये देखें, चरण कमल बना दिए गए हैं, उन पर आसीन करा दिए हैं, और एक बेहतरीन मूर्ति का दर्शन आप घर बैठे कर रहे हैं। यदि दोस्तों आपको अपने घर या मंदिर के लिए कोई विग्रह या कोई मूर्ति चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज़रूर नहीं महर्षि वाल्मीकि जी की हो, भगवान राम की हो, कृष्ण जी की हो, दुर्गा माता, किसी भी भगवान की हो, तो आप हमें संपर्क कीजिएगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे, हरे कृष्ण।